हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एशिया ठीक है तो कभी कभी कोई कोई प्लेसेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाते हैं है ना और आप सोचते हैं कि यार मैम क्वेश्चन क्यों आया यहाँ से है ना तो यहाँ से हम पूछते हैं कि क्वेश्चन क्यों आया एशिया से क्वेश्चन क्यों आया यूरोप से क्वेश्चन क्यों आया ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन इतने सारे क्यों आ रहे हैं तो एक काम करते हैं क्यों ना एक एक करके हम इन चैप्टर्स का पूरा खात्मा कर दे तो इन चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे हम लोग एशिया से रिलेटेड न्यूज में हो या ना हो स्टैटिक पोर्शन हो या फिर आपका जो लाइव मतलब करंट चीज है वो हो आपका कवर हो जाएगा तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा बिल्कुल आराम से और एशिया के बारे में हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं चलिए तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अडर ट्वेंटी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा ओके सो लेट्स बिगिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे एग्जाम में आता है सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है सबसे लंबा कौन सा है सबसे मोटा कौन सा है तो एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और उसका एरिया भी बहुत ज्यादा है आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है कि एरिया कितना है और एशिया के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। Fun, fine, है। वन फाइन क्लियर नेक्स्ट ये के टोटल सरफेस का 8.8 परसेंट कवर करता है तो सबसे पहले लार्जेस्ट है यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है एशिया है। उसके बाद आप देखेंगे ये अर्थ के 8.8 परसेंट का टोटल सरफेस कवर करता है इसका पॉप पॉपुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है एशिया में इंडिया है एशिया में चाइना है तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा वैसे करंट अफेयर्स की बात है कि अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में नहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर दुनिया भर का सिक्सटी परसेंट वर्ल्ड का पॉपुलेशन है तो जिस इंटरेस्ट से मैं आपको पढ़ा रही हूं आप भी उसी इंटरेस्ट से, से सेशन को देखें बड़ा मजा आएगा तो आप सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का और इस पूरे वर्ल्ड में जो एशिया कवर कर रहा है एशिया टोटल एशिया कितना कवर कर रहा है 8.8 परसेंट पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के सरफेस का कितना लैंड सरफेस? तो एशिया कवर कर रहा है 8.8 परसेंट इसके अलावा पूरे दुनिया का पॉपुलेशन का 60 परसेंट सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन कहाँ पे है एशिया के पास है ठीक है यहां पे रिलीफ अलग है रिलीफ का क्या मतलब होता है रिलीफ का मतलब होता है कि पहाड़ पठार और मैदान ठीक है पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र कि हिल्स हो गए ठीक है और पठार मतलब कि प्लेट्यू हो गया ठीक है और मैदान यानी कि प्लेन हो गया तो पहाड़ पठार और मैदान ये सब कुछ जो है वो एशिया में है तो यहाँ पे रिलीफ जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है इसके अलावा टेम्परेचर टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर ये दोनों टेम्परेचर जो है वो एशिया में है फाइन सबसे ज्यादा भी एशिया में मिलता है सबसे कम भी एशिया में मिलता है और वेजिटेशन वेजिटेशन यानी कि कहीं बहुत ज्यादा जंगल है कहीं फिर बंजर है कहीं रेगिस्तान है तो ये वेजिटेशन और पीपल भी अब देखिए एशिया में ही कुछ लोग टर्की के होते हैं कुछ लोग रशियन होते हैं यू मस्ट बी नोइंग कि रशिया और टर्की दो ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में यूरोशियन है यानी कि वो एशिया में भी पड़ता है और वो यूरोप में भी पड़ता है इंडियन पूरी तरह से अलग है उसके बाद चाइनीज पूरी तरह से अलग है तो हर चीज़ में जो डिफरेंस है वो इन दोनों में इन सब आपको मिल रहा है तो ये सारा ये पूरा जो आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है ये है हमारा एशिया और अपना प्यारा सा देश भारत जो है वो इसी एशिया में राइट तो यहाँ पे इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज आपको यहाँ दिख रहे हैं नाउ आगे बढ़ते हैं तो एशिया के ईस्ट में क्या है इसको so, देखिए तो एशिया के ईस्ट में है स्विस कैनाल ठीक है और और क्या है तो यूराल माउंटेन है समझ रहे हैं तो ये एशिया है एशिया के ईस्ट में नहीं है एशिया इज टू द ईस्ट ऑफ यानी कि एशिया के वेस्ट में क्या है एशिया के वेस्ट में आपका स्विस कैनाल है है ना? और यूराल माउंटेन है और यूराल माउंटेन है फाइन एशिया के वेस्ट में स्विस कैनाल और यूराल माउंटेन है इसके अलावा इसके अलावा आप देख सकते हैं यूराल रिवर भी है तो यूराल नाम का एक रिवर भी है अब आपसे पूछा जाता है कि यूराल कहाँ है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो अभी आप देख लेंगे अभी इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो यूराल माउंटेन और यूराल रिवर जो है वो एशिया के आपके वेस्ट में दिखेगा एंड साउथ ऑफ कैकस माउंटेन एंड द केसपी एंड ब्लैक सी अब इसमें क्या पूछ समझ में आ रहा है आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर क्या है तो ये आपको कॉ

तो अभी सब कुछ आपको मैप में दिखेगा यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं तो ये एशिया है और एशिया में आपको समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन जो है ये आर्क आर्कटिक पोर्शन है ये आर्कटिक पोर्शन है यहां पे क्या क्या दिखेगा आपको यहां पे साइड आपको दिखाएगा यूराल माउंटेन्स यूराल माउंटेन्स और यूराल रिवर्स यूराल माउंटेन और यूराल रिवर क्लियर है और यूराल माउंटेन यूराल रिवर रिवर के अलावा यहां पर आपको स्विस केनाल भी दिखेगा स्विस okay, है. है. इसको अच्छे से समझ जाइए एक बार ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे हम लोग तो आगे आपको ज्यादा डाउट नहीं होगा अब यहां पर कुछ माउंटेन्स जो है ये माउंटेन कौन से है कैकस माउंटेन्स है ठीक है कैकस माउंटेन्स है यहां पे तो इसको भी अभी हम आगे मैप में देखेंगे इसके अलावा आप देखें कि अच्छा इसको हम यहां पे भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये पैसेफिक है ये इंडियन ओशन है राइट उसके बाद आपका यहाँ पे स्विस केनाल है स्विस केनाल और ये आपका अरल सी और अरल माउंटेन भी है नेक्स्ट हम देखें कि अर्थ का हाइएस्ट और अर्थ का लोएस्ट प्लेस दोनों आपका एशिया में का का कौन सा है 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 तो आपको पता कि और अर्थ का जो लोएस्ट प्लेस है सबसे नीचे सबसे लोएस्ट प्लेस तो वो डेड सी है जो है है ये का तो पे पे आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं इसी तरह से कि अर्थ का हाइएस्ट और अर्थ का लोएस्ट जो है वो सब कुछ आपका एशिया में ही पड़ता है क्लियर नेक्स्ट रीजनल डिविजन ऑफ एशिया एशिया का रीजनल डिविजन करते हैं तो एशिया को हम सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं यानी कि छह भाग में एशिया को हम डिवाइड कर सकते हैं पहला भाग है सेंट्रल एशियन देश जिसमें टुक-टुक देश आते हैं टुक-टुक यानी कि टी यू के टी के ठीक है तो टी का मतलब है ताजिकिस्तान यू का मतलब है उज्बेकिस्तान के का मतलब है कजाकिस्तान और टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान और के का मतलब है किर्गिस्तान क्लियर है ओके okay. अंडरस्टुड नेक्स्ट आप देखेंगे ईस्टर्न एशिया ईस्टर्न एशिया में आप समझ चुके होंगे कि चाइना जापान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मकाऊ मंगोलिया ताइवान इस टाइप के देश हैं उसके बाद आप नॉर्थ एशिया देखेंगे नॉर्थ एशिया में रशिया है फिर साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में आपके एशियान देश है बुडनई म्यांमार कंबोडिया इंडोनेशिया एंड सो ऑन राइट तो यहां पे आप इसके डिविजन को देख सकते हैं डिविजन में आपका ईस्ट एशिया में ये चाइना का ये पार्ट है नॉर्थ में आपका रशिया का पार्ट है यहां पे आपको सेंट्रल एशिया में टुक टुक देश दिख रहे हैं और ये भारत जो है इसका मैप में ठीक कर दूं थोड़ा सा कैन नॉट बी इग्नोर्ड राइट वो भी डिफेंस में तो ये भारत जो है ये साउथ एशिया है और यहां पर यह साउथ ईस्ट एशिया है ओके okay. तो सऊदर्न एशिया सउदर्न एशिया में कौन कौन से आ जाते हैं साउथ एशिया में तो साउथ एशिया में आपका आ गया सार्क ठीक है साउथ साउथ एशिया भारत किस में है भारत किस पार्ट में है तो भारत जो है वो सर्दर्न एशिया में है सार्थ में है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल इस तरह से ये हो गया और वेस्टर्न एशिया में कौन कौन से देश हैं तो ये जितने देश आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके वेस्टर्न एशिया में है जहां पे जो आपके अरब देश हैं वो ज्यादा वेस्टर्न एशिया के तो हमने इस एशिया को डिवाइड करके भी पढ़ लिया है और समझ लिया है क्लियर फिर आता है फिजिकल डिवीजन तो अभी हमने पॉलिटिकल डिवीजन किया जहां पे हमने एशिया के फिजियोग्राफी को नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट राइट साउथ वेस्ट वेस्टर्न इस तरह से डिवाइड कर लिया है अब है फिजिकल डिवीजन फिजिकल डिवीजन में है नॉर्दर्न लो लोलैंड नॉर्दर्न लो लैंड लो लैंड का मतलब क्या होता है जहां पे भी ज़्यादा नदियां होती हैं जहां पे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है वो लो लैंड कहलाता है राइट तो जहां पे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है वो लो लैंड कहलाता है इसके अलावा सेंट्रल माउंटेन्स है, है ना तो सेंट्रल माउंटेन्स है इसके अलावा सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेटियो है सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेटियो है आप इसको समझिएगा जरा आराम से ठीक है तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे लो लैंड में क्या है नदी ज्यादा है रिवर ज्यादा है सेंट्रल माउंटेन्स में पहाड़ है सेंट्रल माउंटेन में पहाड़ है सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेटियो में ये क्या है पठार है है ना सेंट्रल एंड सर्दर्न पेटियों में क्या है पठार है फाइन ओके पेनसुला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक लैंड का टुकड़ा है और वो तीन साइड से वॉटर से घिरा हो तो यह पेनसुला कहलाता है डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान ठीक है डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान उसके बाद आप देखेंगे ग्रेट रिवर प्लेन्स यानी कि बहुत बड़े बड़े रिवर्स के यहाँ पे मैदानी क्षेत्र हैं ठीक है मैदानी क्षेत्र हैं उसके बाद आप देखेंगे आइलैंड ग्रुप तो द्वीप ठीक है द्वीप जो है वो यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स है अंडरस्टूड है तो बहुत सारे भी हैं तो एशिया को जब हम देखते हैं तो यहां पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे आइलैंड्स हैं कहीं कहीं पहाड़ हैं जैसे कि हिमालय पहाड़ है राइट बहुत सारे रिवर्स हैं तो रिवर्स क्या बनाते हैं रिवर्स जनरली लो लैंड बनाते हैं क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ठीक है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन रिवर्स जनरली फॉर्म लो लैंड एंड मैदानी क्षेत्र ओके okay. तो ये प्लेट्यूज वगैरह बनाते हैं उसके बाद आप देखेंगे नॉर्दर्न लो लैंड नॉर्दर्न लोलैंड नॉर्दर्न लोलैंड में आप देखेंगे नॉर्दर्न लैंड आर एक्सटेंसिव एरिया दैट कंप्राइज ऑफ ऑफ सेवरल पैच तो नॉर्दर्न पोर्शन तो जो है एशिया का नॉर्दर्न पोर्शन में बहुत सारे आपको रिवर्स अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे आपको रिवर्स देखेंगे फाइन अब मेजर नॉर्दर्न लोलैंड जो है उसमें से क्या क्या आता है पहला है कि सर्बिया तो बहुत लोगों को नहीं पता कि सर्बिया क्या है सर्बिया पहाड़ नहीं है ज्यादा सर्बिया जो है एक्सटेंडेड बिटवीन यूराल माउंटेन यूराल माउंटेन और इन द वेस्ट यूराल माउंटेन सर्बिया के वेस्ट में है एंड रिवर लेना इन द ईस्ट ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिवर लेना जो है वो कहां पे है तो रिवर लेना जो है सर्बिया के ईस्ट में है और यहां पे क्या है यूराल माउंटेन क्लियर है इट इज लार्जेस्ट लो लैंड एंड कवरिंग एन एरिया ऑफ एक लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट लो लैंड है और ये सर्विया का लो लैंड एशिया में पड़ता है तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एशिया है पूरे ध्यान से देखेंगे इस इस सेशन को अगर आधे घंटे में एशिया पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई तो यहाँ पे आप देखें कि यहां पे ये एशिया है और एशिया में आपके नॉर्दर्न पोर्शन में ये जो रशिया का जो पोर्शन है ना तो रशिया में ही ये आपका सर्बियन लोलैंड आ जाएगा सर्बियन लोलैंड लोलैंड यहां पे बहुत सारी नदियां हैं यहां पे बहुत सारी नदियां हैं और यहां पे आप ईस्ट में देखिएगा तो ये लेना रिवर है तो क्यों नहीं पूछा जाएगा जब एनसीआरटी में लिखा हुआ है वो भी सिक्स सेवन के एनसीआरटी में कि सर्बिया के ईस्ट में लेना रिवर है तो आपसे एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाएगा लेना रिवर के बारे में जस्ट लेट मी नो पूछा जाना चाहिए है ना और आप जानते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन से पहाड़ बॉर्डर बनाती है तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन से पहाड़ बॉर्डर बनाते हैं तो वो है यूराल माउंटेन है ना तो एशिया और यूरोप के बीच में कौन से पहाड़ बॉर्डर बनाएंगे तो यूराल माउंटेन जो है वो इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाएंगे फाइन चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मंचूरियन प्लेट अब मंचूरियन के पास कौन सा रिवर है इट इज एन एरिया एट ज्वाइनिंग द अमूर रिवर इट इज एन एरिया ज्वाइनिंग द अमूर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन द नॉर्दन पार्ट ऑफ चाइना ठीक है तो ट्रिब्यूटरी का है नॉर्दन पार्ट ऑफ चाइना फाइन तो चाइना है और चाइना के पास कौन सा है मंचूरियन प्लेट है जहां पे अमूर अमूर है ठीक है तो अब इसको देखिए ये मंचूरियन प्लेन है ये मंचूरियन प्लेन है फाइन और चाइना यहां पे आपको दिख रहा है चाइना का नॉर्थन प्लेन चाइना के नॉर्थ में आपको यहाँ पे मंचूरियन Man प्लेन दिख रहा है इट इज नोन एज अ प्लेन क्योंकि हिवांग हो रिवर या येल्लो रिवर ये सारे जो है अपना सेडिमेंट कहाँ डिपोजिट करेंगे तो वो यही मंचूरियन प्लेन में डिपोजिट करेंगे फाइन

ओके okay. नेक्स्ट आप देखेंगे तो एंड टिग्रेस, टिग्रेस तो, तो, तो यहां पे टिग्रेस जो है, ये ईरान में है फिर आपको गंगा प्लेन तो आपको पता ही है गंगा नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है मिलकर अपना प्लेन बनाती है देखिए इट इज नॉट अबाउट रीडिंग सो मच इट इज नॉट अबाउट रीडिंग सो मच अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस में सी डी एस ए पी एफ एफ कैट या फिर अग्निवीर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो इट इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट नोइंग थिंग्स इट इज नॉट अबाउट लर्निंग थिंग्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू यू लर्न अबाउट अमूर रिवर आई एम नॉट टेलिंग यू टू लर्न अबाउट लेना रिवर आई एम जस्ट टेलिंग यू टू नो अबाउट इट आई डिफेंस ऑफिसर इज नॉट अबाउट गोइंग इन टू डेप्थ एंड रीडिंग एंड मेमोराइजिंग थिंग्स आ

वो आपके इंग्लिश में आने वाले हैं इसके अलावा वैन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एस एस बी वेदर इट इज एफ कैट वेदर इट इज सी डी एस यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश हाँ सी ए पी एफ में है कि आप अपने आप का जो अपना हस्ताक्षर है यानी कि जो आपका इंटरव्यू है हस्ताक्षर इज साइन ठीक है तो अपने आपका इंटरव्यू जो है वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं सो ट्राई टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स इन इंग्लिश दिस इज द मोटो ठीक है इसके अलावा आप देखें ऐसे मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ इराबादी प्लेन है तो इरावादी प्लेन जो है ये कहां पे है तो ये म्यांमार में है इरावादी प्लेन कहाँ पे है तो ये म्यांमार में है नेक्स्ट सेंट्रल माउंटेन्स सेंट्रल माउंटेन्स में के बारे में क्या है कि ये प्रोमिनेंट होते हैं और ये एक्सटेंसिव माउंटेन्स होते हैं ठीक है और ये कवर करते हैं पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल माउंटेन जो है ये पार्ट कवर करते, uh, करते हैं पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया दे कंसिस्ट ऑफ पामेन तियान तियान शान रेंजेस

कन्नूल राइट हिमालयन काला ये सारे माउंटेन जो हैं वो यहाँ पे आकर मिल जाते हैं आर्मेनियन नॉर्ट आर्मेनियन नॉट इज कनेक्टेड टू पामिर नॉट और आर्मेनियन नॉट जो है वो पामिर नॉट से कैसे कनेक्टेड है अल्बराज और जैगरोज रेंज अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यू शुड बी नोइंग द मैप दट वेयर इज अल्लबराज एल्बोड एंड जैगरोज क्यों क्योंकि फिर से टर्की और सीरिया जो है वो न्यूज़ में है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पामिर नॉट है ये हिंदकुश है राइट यहाँ पे आपको ये देख रहा है काराकोरम है ये हिमालयन है ये सारे माउंटेन्स आकर कहाँ मिल रहे हैं ये पामिर नॉट में मिल रहे हैं ये सारे माउंटेन्स आकर कहाँ मिल रहे हैं तो ये पामिर नॉट में मिल रहे हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पामिर नॉट है यहाँ पे तो ये सब हम देख लिए हैं कि काराकोरम हो गया हिमालयन हो गया कुलूल हो गया अल्टाई हो गया हिंदकुश हो गया एल्बडस एल्बरस वेयर इट इज़ तो अगेन यू कैन सी ये ईरान के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आपको जैगड़ो सुलेमान ये सारे रेंजेज आके कहाँ मिल रहे हैं तो ये आपके एशिया में मिल रहे हैं ये सारे रेंजेस आके कहाँ मिल रहे हैं तो ये एशियन माउंटेन्स में मिल रहे हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पीक है जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है केटू है भारत में सबसे बड़ा पीक केटू है फिर कंचनजंगा है है ना और इसके अलावा बाकी पीक्स आप यहां पे देख सकते हैं मकालू है चोयो है तो ये सारे पीक्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा प्लीज कि एल्बडज ऊपर है और फिर फिर आपका जैगरोज है नेक्स्ट पोर्शन है कि सेंट्रल एंड सर्दर्न प्लेट तो पठारी क्षेत्र भी है एशिया में राइट right. जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा है कि पूरे वर्ल्ड में पठारी क्षेत्र है उसी तरह से एशिया में पठारी क्षेत्र है पेनंसुला तो आपको पता है कि जहाँ पे तीन साइड से जैसे कि कामरचट का पेनन्सुला तीन साइड से अगर वाटर बॉडी है तो वो आपका पेनन्सुला होगा जैसे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कामरचट का पेनन्सुला है इंडो चाइना पेनन्सुला है डेकिन पेनंसुला भारत खुद एक पेनन्सुला है अरेबियन पेनन्सुला हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या देख रहे हैं आप कि देखिए तीनों साइड वाटर बॉडी है और एक साइड लैंड है तो इसीलिए ये एरिया क्या कहलाएगा ये एरिया पेनंसुला कहलाएगा क्लियर है तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि ये आपका पेनंसुला कहलाएगा है ना नेक्स्ट है डेजर्ट्स तो डेजर्ट में आप देखें टकला मकान थार थाराकुम रूब अल खाली ये सारे जो हैं ये डेजर्ट हैं और ये डेजर्ट्स आपके एशिया में मिलते हैं ओके ओके गाइज तो यहाँ पे आप देखें गोभी डेजर्ट हो गया काराकोरम डेजर्ट हो गया थार डेजर्ट हो गया अरेबियन डेजर्ट हो गया ये सारे डेजर्ट आपके एशिया में मिलते हैं आइलैंड्स ऑफ एशिया आइलैंड्स ऑफ एशिया में जैसे इंडोनेशिया हो गया फिलिपींस हो गया जापान हो गया अंडमान एंड निकोबार हो गया ये सारे क्या है आर्ची पेलागो है अब आर्ची पेलागो का क्या मतलब होता है द्वीपों का समूह द्वीपों का समूह तो ये हो गया आपके आइलैंड्स बहुत सारे आइलैंड्स आपको देख रहे हैं ड्रेनेज तो ड्रेनेज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत सारे आमूर वांग हो जियांग चांग जियांग तो ये सारे जो रिवर्स हैं ये एशिया में बहते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम में आप आर्कटिक ओशन में भी देख सकते हैं ओब लेना ये सब जो है ये आर्कटिक ओशन के में जाते हैं अपना पानी वहाँ डालते हैं राइट तो ओब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में ओब जा रहा है या लेक बेकाल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया लेक बेकाल इज द डीपेस्ट लेक राइट तो लेक बकाल के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आए तो ये एशिया के बारे में हर एक डिटेल है जो हम इस सेशन में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं राइट तो यहाँ पे सीज भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सी हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अदरवाइज आई शेयर यू द द राइट ओके लेक्स लेक्स नाउ में आप देखें रशिया में कौन सा है सबसे पहले आप याद रखेगा लेक बल रशिया में आपको लेक बल लेक के बारे में याद रखना है कि ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है ओके okay. ये सबसे डीप में है ठीक है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर लेक में भी आप देखेंगे कि लेक बेकाल जो है ये लोकेटेड का है साउथ रशिया में लेक बेकाल कहा लोकेटेड है साउथ रशिया में ठीक है ओके यांगजे एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है तो यांगजे पूरे वर्ल्ड का कौन सा है नाइल है 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 ना और ये थर्ड थर्ड लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड में तो नाइल और एमेजन के बाद ये थर्ड लॉन्गेस्ट है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर जैसे कि फ्रेश वाटर जो गर्ल्स बनाते हैं ठीक है ठीके? तो फ्रेश वाटर वहां पे भी आके जो रिवर्स जहां पे डालता है फ्रेश वाटर तो ये रिवर्स के बारे में है सॉल्ट वाटर अब सॉल्टी वाटर जैसे पर्शियन गल्फ जहाँ पे खारा पानी है नमकीन पानी है या सी ऑफ ऑस्कॉथ यहाँ पे नमकीन पानी है राइट सॉल्ट वाटर फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ज्यादा जो है वो अरेबियन सी ज्यादा खारा है और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट अब देखिए लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सा है तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसके अलावा नैरोएस्ट स्ट्रेट जो सबसे ज्यादा सकड़ा है यानी पतला है तो वो आपका स्ट्रेट ऑफ बॉर्फरस है जो कि ब्लैक सी और मरमा सी को कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है ये एशिया को अमेरिका से अलग करता है क्योंकि जब आप एशिया को घुमा के देखेंगे तो अलास्का का एरिया और यहाँ पे जो रशिया का एरिया है इन दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है बास स्ट्रेट बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है स्ट्रेट समझ रहे हैं क्या होता है जैसे कि मान लीजिए एक लैंड का टुकड़ा है और उसके बीच में एक पतला सा पानी का नली है जो उस दो बड़े लैंड मासस को सेपरेट कर रहा है गिब्राल्टर स्ट्रेट ये अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है गिब्राल्टर स्ट्रेट ठीक है तो ये सारे स्ट्रेट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं जैसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ मलक्का बब अल मनाब ये आप देखते हैं स्विस केनाल स्विस केनाल भी क्या है जैसे देखिए ये सब क्या है पान यहाँ पे लैंड है यहाँ पे लैंड है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है ठीक है तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेट है उसका नाम क्या है पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है ठीक थी, है यहाँ है है तो पे पे लैंड लैंड बीच में पानी का टुकड़ा है तो इन दोनों के बीच में स्विस कैनाल है है क्लियर रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज में हम सेंट्रल साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न जोन में डिवाइड कर देंगे तो रिसोर्सेज अब उतना एग्जाम में नहीं आता अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड पीडीएफ इट सेल्फ फाइन तो माइनिंग वगैरह जो है अब इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है तो इस तरह से एक राउंड में आपको अपने जो कॉन्टिनेंट्स है उसको यहाँ पे कवर करना है अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें और आप और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है हम एम सी से प्रैक्टिस करें ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो आपने क्या करना है कि आपने बहुत सिंपली मैं आपको बता देती हूँ इसको और डिटेल में और डेंस नॉलेज में अगर आप जानना चाहते हैं एशिया के बारे में सब कुछ जैसे ये ऑयल रिजर्व्स है मिनरल्स है तो आप आज सिंपली आइए अटर ट्वेंटी फोर सेवन के वेबसाइट पे ठीक है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के जब आप वेबसाइट पे आते हैं तो अब आप सोचें कि आप किस एग्जाम की, की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने जैसे डिफेंस में मान लीजिए आपने सोचा है कि मेरे को डिफेंस में ही जाना है चाहे वो एफ कैट हो या वो सी हो है ना चाहे वो एफ कैट हो या सी हो मैम मेरे को इस साल सी ए क्वालिफाई करके जल्दी से वर्दी लेना है ठीक है सी ए पी एस हो तो आप जैसे सी ए पी एफ है का, का बैच है ठीक है तो ये एट थाउजेंड ट्रिपल नाइन का बैच है अब ये बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है बाईस तारीख से अब अगर हमने यहाँ कोड यूज़ कर लिया Y332 थ्री थ्री टू और अप्लाई कर दिया तो ये बैच मुझे टू थाउजेंड सिक्सटी नाइन रुपीज़ में मिल जाएगा और ये बैच का वैलिडिटी है सिक्स मंथ लेकिन मैं आपको एक बेटर ऑप्शन बताती हूँ कि मान लीजिए इसमें तो आप सिर्फ सी ए पी एफ की तैयारी करेंगे है ना तो सी ए पी एफ की आप तैयारी करेंगे उससे बेटर है कि आप सी ए पी एफ का बैच से बेटर है कि आप अड्डा का महापैक ले लीजिए डिफेंस का ठीक है तो डिफेंस का महापैक जब मेरे पास आएगा तो डिफेंस के महापैक में मुझे सिर्फ सी डी एस का नहीं मुझे एफ कैट सी डी एस एन डी ए ठीक है सी आर पी एफ बी एस एफ जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके बैचेस साथ ही साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज रिविजन रिविज, रिविज, बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, ई बुक सब कुछ जो भी हमारे पास अवेलेबल है है ना टीचर का कॉन्टैक्ट तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सब आपको मिल जाएगा यानी कि वी विल बी ऑन योर असिस्टेंट हम आपके बिल्कुल असिस्टेंस पे रहेंगे कि आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत है तो आप ले सकते हैं आज क्यों मैं बता रही हूं ये तो आज डबल वैलिडिटी ऑफर है सिक्स मंथ का अगर आप ये पैक लेते हैं तो आपको सिक्स मंथ का पैक फ्री मिलता है तो यहां पे अगर मैं यहां पे कूपन कोड यूज करूं कूपन कोड क्या है तो कूपन कोड है वाई थ्री थ्री टू तो अगर हम यहाँ पे कोड यूज करें और ये कौन सा कोड है तो वाई थ्री थ्री टू और वाई तीन सौ बत्तीस और अप्लाई करते हैं तो ये बैच मुझे टू टू नाइन नाइन रुपीज में मिल जाएगा

Thank you for the session and Jai Hind.